वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। सो आज का ये जो वीलॉग है ये बर्थडे स्पेशल वीलॉग है। तो बस अभी मैं मॉर्निंग है यहाँ पे और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर आई हूँ। सो माई फ्रेंड इज़ जस्ट अबाउट टू कम, तो आज उसका भी बर्थडे है। सो शी वॉन्टेड कि हम लोग अपना एक साथ एक वीलॉग बनाएं, सो दैट इन फ्यूचर मेमोरीज जो है वी कैन सी एनी टाइम कि ये वाला बर्थडे हमने इकट्ठा मनाया था। लास्ट ईयर भी वी थॉट, बट बिकॉज लास्ट ईयर जो है वो कोरोना की वजह से सब कुछ लॉकडाउन था, सो वी हैड अ क्वारंटाइन बर्थडे। सो अभी जो है वो हम लोग लंच करने के लिए बाहर आए हैं। सो इन सम टाइम शी विल बी अराइविंग। एंड उसके अलावा अभी यहाँ पे कुछ केसेस फिर से आने लगे हैं, सो आई होप कि सब कुछ ठीक रहे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो एंड गो इनसाइड द शॉपिंग सेंटर। शॉपिंग सेंटर की एंट्री में यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स लगे थे और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे, सो इसीलिए मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। सो गाइस, मेरी फ्रेंड जो है वो अभी आ गई है, कोल्स में कुछ ग्रॉसरी लेने गई है। एंड मीनवाइल हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है अभी, ताकि लंच से जाने से पहले ही अपना शॉपिंग का जो भी कुछ सामान लेना है वी शुड बी फिनिशिंग दैट, बिकॉज अभी दोपहर का टाइम है। सो अभी इस टाइम पे टाइम भी ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि स्कूल पिकअप का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। सो चलिए कोल्स चलते हैं, मुझे भी थोड़े से फ्लावर्स लेने हैं एंड देन वी विल गो फॉर लंच। सो ये वाला जो शॉपिंग सेंटर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट काफ़ी जो 2-3 इम्पॉर्टेंट शॉप्स हैं जैसे कि कोल्स हो गया, ऑल्डी है, के मार्ट है, ये शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड यहाँ फ्लावर्स लेने जाने से पहले मैं आपको एक बार ही दिखा देती हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या लिया है। सो यहाँ पे मैंने एक ये फ़ोटो फ्रेम लिया है, घर पे जाके मैं आपको डिटेल में सभी सामान दिखाऊंगी। एंड दिस इज़ अ गिफ्ट विच माय फ्रेंड गेव टू मी, तो ये कुछ लिप ग्लॉस एंड लिपस्टिक्स हैं। एंड देन ये एक स्वेटर लिया है मैंने अपने लिए, और यहाँ पे एक स्वेटर पिंस मैंने ली थी इस फ्रेम के अलावा, सो आई विल शेयर विद यू आफ्टर गोइंग टू होम। एंड उसके अलावा मैंने ये इंडियन शॉप से कुछ राशन का सामान लेना था तो वो लिया है। एंड बस ये फ्लावर्स जो हैं मैंने यहाँ पे ले लिए कोल से, तो बस मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई क्योंकि फ्लावर्स जो रहते हैं वो एंट्री पे ही रहते हैं, सो आई जस्ट बॉट दिस वन फ्लावर बुके फॉर मी। सो गाइज, मेरी तो शॉपिंग हो गई है एंड मैंने ये फ्लावर्स भी जो आपको दिखाए हैं मेरे पीछे रखे हैं, मैंने ले लिए हैं अपने ही लिए। एंड क्योंकि आज मेरे हबी जो है वो थोड़ा बिजी थे, उनकी मीटिंग्स थी तो ही कुडंट गेट अ लीव टुडे, तो कल उन्होंने छुट्टी ली थी, बट देन कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए। एंड अभी मास्क का रिस्ट्रिक्शन इज़ इनसाइड द मॉल बैक अगेन, क्योंकि एज यू ऑल नो न्यू साउथ वेल्स इज़ अंडर लॉकडाउन एंड विक्टोरिया में भी कुछ केसेस जो हैं वो आ रहे हैं, सो वी होप कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक रहे। सो लेट मी चेक आउट कि मेरी फ्रेंड कहाँ रह गई है, बिकॉज अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। सो गाइज, माई फ्रेंड इज़ हेयर, सबको हेलो बोल दो। सो इसका भी आज हैप्पी बर्थडे है, सो वी आर सेलिब्रेटिंग अवर बर्थडे टुगेदर। तो अभी ये शी हैज़ जस्ट कम फ्रॉम ग्रॉसरी शॉपिंग और कुछ और सामान खरीदने जा रही है, और फिर हम लोग लंच पे जाके बात करते हैं आपसे। सो गाइज, लेडीज शॉपिंग इज मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रॉसरी शॉपिंग। एंड आज मैं चाय पत्ती लेने नहीं वाली थी पहले, बट चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड वही बोल रहे थे कि तुम बाहर जा रही हो तो जस्ट गो एंड एंजॉय, मतलब वहाँ जाके भी तुमको यही सब खरीदना है क्या, राशन का सामान। बट लेट मी टेल यू, जब भी बाहर आओ मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ खरीदना तो रह ही गया है। सो वी गाइस आर लाइक कि ठीक है, ये एक आधी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ज़रूर ले लें। तो बस अभी हम लोग मूव आउट कर रहे हैं यहाँ से। सो गाइस, फाइनली हम लोग अभी लंच पे आ गए हैं एंड मेरी फ्रेंड और मैं अभी लिपस्टिक लगा के रेडी हो गए हैं, क्योंकि पहले तो हमने मास्क पहना था तो सारी लिपस्टिक यू नो मास्क में ही चली जाती है। सो अभी हम लोग इधर टारनेट आए हैं, देसी ढाबा, तो आपने तो मेरे पहले वाले वीलॉग्स में भी देखा होगा कि हम काफ़ी आते हैं यहाँ। तो बस अभी हम क्या खाने वाले हैं, अमृतसरी कुलचा। तो हम पंजाबी हैं, सो इट इज़ अवर फेवरेट, मतलब ऐसा नहीं कि हम लंच डिनर ब्रेकफास्ट में वहाँ पे सिर्फ यही खाते हैं, बट हाँ अभी जब हम बाहर आते हैं तो यही प्रेफर कर रहे हैं। तो अभी मैंगो लस्सी, शी इज़ हैविंग मैंगो लस्सी, तो देखिए कितनी कलरफुल सी लग रही है। और मैं तो माय ऑलवेज फेवरेट इज़ कोक, तो मैं तो बस कोक ही जो है वो लेने वाली हूँ। तो चलिए अभी खाना आता है तो हम लोग आपको दिखाते हैं प्लेटर, तो लेट्स वेट एंड वॉच।
सो गाइस ये आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया सूरत शक्ल वाला कुलचा जो है वो आया है। एंड ये रिक्की अभी इसको इंजॉय करने वाली है विथ हर मैंगो लस्सी। एंड हाँ आप लोग भी आ सकते हैं बिल्कुल। सो गाइस ठीक है चलिए अभी हम अपना लंच इंजॉय करते हैं एंड इसके बाद हम कहीं जाने वाले हैं ना रिक्की? यस। कहाँ? देसी ग्लैमर इंटरनेट। ओके सो हम एक शॉप पे जाने वाले हैं तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए लेट अस हैव लंच फर्स्ट। सो गाइस हम लोग नहीं गए इंडियन जो शॉप थी क्योंकि टाइम नहीं लेट। यहाँ वी आर गेटिंग लेट तो बस ये भी जा रही है तो बाय टू एवरीबॉडी फ्रॉम रिक्की एंड हैप्पी बर्थडे रिक्की वंस अगेन। थैंक यू। तो चलिए मैं तो कंटिन्यू करूंगी और इसको बाय करके मैं अभी कार से उतर जाती हूँ। सो गाइज अभी मैं बस अपने घर के पास वाले बस स्टॉप पे पहुंच गई हूँ। 2:30 बज गए हैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बस हम लंच करने जा पाए। एंड अभी आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वीलॉग बनाने के चक्कर में हम लोग फ़ोटो खींचना भी भूल गए। मतलब कोई भी पिक हमने नहीं ली इतनी जल्दी जल्दी में। मतलब 2 घंटे थे हमारे पास 2 से 2.5 घंटे एंड देन वी जस्ट शॉप्ड अ लिटल जो भी हमें सामान लेना था एंड देन मतलब हम लोग आराम से खाना खाने लग गए एंड कोई पिक्चर भी नहीं ली वो भी सब भूल गए। बट एनी हाउ ओके मैं ये जो क्लिप्स हैं इसमें से कुछ स्क्रीनशॉट ले लूँगी आई एम थिंकिंग। तो बस अभी मैं घर की तरफ वॉक बैक कर रही हूँ एंड थोड़ी देर में स्माइली का स्कूल भी ओवर हो जाएगा एंड देन शाम को वी विल कट द केक एंड आई विल शेयर द पिक्चर विद यू गाइस। सो फ्रेंड्स आई एम बैक होम एंड ये बुके तो आपने देख ही लिया है। मुझे लगा कि मैं शेयर कर लूँ आप लोगों से अपना जो भी छोटा सा ये शॉपिंग हॉल था आज का। एंड ये जो फ्रेम है जो कि मैं आपको दिखा रही थी सो दिस इज़ लाइक दिस। सो आई थॉट कि मैं हम लोगों की एक जो फैमिली पिक है इसमें लगाऊंगी एंड देन आई बॉट दिस स्वेटर। सो काफ़ी अच्छा कलर मुझे लगा एंड फिटिंग भी बहुत अच्छी है इस स्वेटर की। वंस आई वेयर इट आई विल शेयर विद यू। तो इसके अलावा मैंने एक पिंस लिए एंड दीज आर द पिंस। ये स्वेटर पे लगाने वाले जो हैं ये पिंस हैं डेकोरेटिव ब्रॉच जिसे हम कहते हैं। सो ये दो ब्रॉच मैंने लिए वहाँ से एंड एक ये स्नोफ्लेक वाला था एंड इट इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे ये अच्छे लगे एंड दैट्स इट। यही मैंने लिया आज एंड बस अभी यहाँ पे शाम हो गई है एंड दिस इज़ माई ड्रेस। ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि लैम्प की शेड पड़ रही थी एंड बाहर ये मेरे हस्बैंड एंड स्माइली जो है उन्होंने थोड़ी सी डेकोरेशन की एंड स्माइली जो है अभी केक कटिंग के लिए बहुत ही इज़ वेरी सुपर एक्साइटेड। एंड इवनिंग तक जो है वो विक्टोरिया में भी लॉकडाउन की जो है वो न्यूज़ आ गई थी। तो लॉकडाउन है एज ऑफ नाउ लॉकडाउन चल रहा है इन मेलबॉर्न। तो लकीली मैं और मेरी फ्रेंड आफ्टरनून में ही बाहर चले गए थे। सो नाउ वी आर जस्ट अनबॉक्सिंग द बर्थडे गिफ्ट। तो इसमें एक मोबाइल है जो कि इट्स द सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल। तो पर्पल वॉयलेट शेड का मोबाइल है बेसिकली। तो उसकी कुछ फोटोग्राफ्स जो है मैंने बस इसके बाद डाली हैं। सो इसके बाद बस हमने एक साथ डिनर किया एंड दैट्स इट फॉर माय बर्थडे वीलॉग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। बाय।